गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल साइंस क्लास. स्टूडेंट्स, वी हैव डन इन चैप्टर 3 लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स. ओके, सो जस्ट टेल मी व्हाट आर दीज. ये आपको जो शो हो रहे हैं, व्हाट आर दीज? वेरी गुड, दीज आर लॉन्ग लैटिट्यूड्स. ओके, दीज आर लैटिट्यूड्स. आई हैव टोल्ड यू दैट दीज आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज. सो यू कैन सी हेयर 0 degree, देन 15 degree, राइट, एंड 30 degree, 45 degree, 65 degree, 75 degree, 80 degree. सो देयर आर डिफरेंट लैटिट्यूड्स. वी कैन सी डिफरेंट लैटिट्यूड्स हेयर. And 90 degrees south is a point, as we have discussed. Okay, and here also this is a point. Okay, so these are latitudes and these are the main lines of latitude. 0 degree equator, it is 0 degree equator. Then Tropic of Cancer at 23.5 degree north. Then it is Arctic Circle at 66.5 degree north. The last is North Pole at 90 degree north. Okay, इनकी जो ये degrees हैं बेटा, ये याद करनी ज़रूरी हैं, because according to this we can locate a place. Clear? हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिग्री इनके साथ नहीं लगा सकते. इनका जैसे हमारा रोल नंबर हमें एक गिवन होता है और उस रोल नंबर से हमारी पहचान होती है, तो सेम ये लाइंस हैं, इन लाइंस को एक नंबर गिवन है एंड इट एक्सप्रेस द लाइन. जो नंबर है वो लाइन को शो करता है. इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल एंड लास्ट इज नॉर्थ पोल. सेम विद सदर्न साइड, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड एंटार्कटिक सर्कल एंड द लास्ट इज साउथ पोल. ओके, दीज आर द डिफरेंट जोन्स. ये अलग अलग जोन्स हैं दैट वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास. फर्स्ट इज टोरिड जोन that lies between 23.5 degree north and 23.5 degree south. Okay, तो Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn के बीच में जो area है, that is torrid zone. Clear? And the area between Tropic of Cancer and Arctic Circle, जो ये area है बेटा, this is temperate zone. Okay, ये टेम्परेट जोन है एंड इट इज़ इन नॉर्थ साइड, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड नॉर्थ टेम्परेट जोन. एंड ऑन द साउथ साइड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और एंटार्कटिक सर्कल के बीच जो ये एरिया है, दैट इज टेम्परेट जोन एंड इट इज़ इन साउथ. तो इसे हम क्या कॉल करते हैं? साउथ टेम्परेट जोन. ओके, एंड द लास्ट एरिया जो बिल्कुल पोलर रीजन पे है, between Arctic Circle and North Pole, that is frigid area. And same with the south, the area between Antarctic Circle and South Pole is frigid zone. Okay, so these are the three zones. Which one? These torrid zone. Very good, speak with me. Torrid zone, temperate zone, frigid zone. Again, torrid zone, temperate zone, frigid zone. Clear? But I told you to draw the picture. ये diagram बनाने को कहा था. Have you drawn? If you have not drawn, then draw it. And if you have drawn, then very good. Okay. Now these are
Good. These are longitudes. These are long lines and these are longitudes. As we have seen, जो ये longitudes हैं बेटा, ये पोल पर टच कर रहे हैं एक दूसरे को और इक्वेटर पर इनके बीच में सबसे वाइड स्पेस है. यहाँ कम है और यहाँ ज़्यादा है ना. द मेन लाइन सेंट्रल लाइन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच मेरिडियन. ओके, जो लैटिट्यूड की मेन लाइन है दैट इज़ प्राइम मेरिडियन एंड ग्रीनविच मेरिडियन. एंड इट डिवाइड्स ऑल्सो द अर्थ इनटू टू पार्ट, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, इसके ईस्ट में जो पार्ट है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, जो वेस्ट में पार्ट है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है. ओके, नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज अ ग्रिड. क्लियर, ये क्या है? ग्रिड. ग्रिड मीन्स अ नेट. एक नेट बन जाता है, एक जाल बन जाता है किनका? लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स का. ओके, ये ऊपर से जो लाइंस आ रही हैं दीज आर लॉन्गिट्यूड्स एंड जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है दीज आर लैटिट्यूड्स. तो ये जब दोनों टच करती हैं एक दूसरे को देन दे मेक द ग्रिड. तब यहाँ पर ग्रिड फॉर्म होती है. ओके, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ ग्रिड. नाउ व्हाट इज ग्रिड सिस्टम? अ नेटवर्क ऑफ लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्टिंग ईच अदर इज कॉल्ड ग्रिड. लाइंस का एक नेटवर्क जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, मींस काट रहा है, दैट इज ग्रिड. उसे हम क्या कॉल करते हैं? ग्रिड. ईच प्लेस ऑन द ग्लोब इज इंटरसेक्टेड बाय वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन. हर प्लेस, यहाँ तो ये लूज दिखाई हुई हैं आपको समझाने के लिए, बट इन रियल ये बहुत क्लोज हैं और हर प्लेस किसी ना किसी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्ग लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड से इंटरसेक्ट हो रही हैं. ओके, विद द हेल्प ऑफ दीज टू सेट्स ऑफ लाइन द ग्रिड सिस्टम द लोकेशन ऑफ अ प्लेस कैन बी डिटरमाइंड. ग्रिड सिस्टम के साथ ही हम किसी एरिया की जो लोकेशन है, किसी कंट्री की लोकेशन, किसी प्लेस की लोकेशन हम बता सकते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल नासिक इन महाराष्ट्र इज लोकेटेड एट इंटरसेक्शन ऑफ 20 डिग्री नॉर्थ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड 74 डिग्री ईस्ट लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड. हाउ? जैसे ये 20 डिग्री नॉर्थ का लॉन्गिट्यूड है. ओके, एंड जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कितना है? 74 डिग्री ईस्ट. जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये एरिया जहाँ ये एक दूसरे को टच कर रही हैं, दिस एरिया इज नासिक. जो मैंने ये डॉट बनाया है दिस एरिया इज नासिक, जहाँ पर ये 74 वाली लाइन और 20 वाली लाइन एक दूसरे को टच कर रही है, ये वाला पॉइंट नासिक का पॉइंट है. ऐसे हर एरिया में कोई 20 डिग्री नॉर्थ पर कोई 75 डिग्री पे भी होगा, 80 डिग्री पे भी होगा. तो जहाँ पर ही एक दूसरे को टच कर रहे हैं उस जगह पर कोई ना कोई प्लेस लोकेटेड है. ओके,